मॉर्निंग गाइस, ये सुबह का 4 बज रहा है 9 सितंबर 2021, और मैं सुबह उठ के सरगही लेने के लिए उठी हूँ, मतलब खाने के लिए उठी हूँ। ये मैंने चाय चढ़ा दिया है और साथ में मैं जो है वो पानी पीऊँगी और मिठाई लूँगी। कुछ नमकीन नहीं खाना है, केवल बस इसी से मैं अपना सरगही दूँगी। दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आप सभी को हरतालिका तीज की शुभकामनाएँ हमारे तरफ से, मेरे पूरे फैमिली के तरफ से। और सुबह से ही बिजी हूँ, क्योंकि मालूम है आपको कि अगर जो है वो फास्ट रहे और घर में कोई फेस्टिवल रहे तो वैसे ही सारा दिन जो है उसी में चला जाता है। लेकिन मैंने जो है वो सफाई कर ली है, आज बृहस्पतिवार है तो थर्सडे का पूजा भी हो गया है, और उसके बाद फिर लंच भी मैंने सुबह ही बना दिया था। सुबह का ही बना, मतलब लंच कह ले, ब्रेकफास्ट कह ले, तो सब एक ही साथ मैंने कर दिया था। और वहाँ उसके बाद फिर मैं जो है बाकी काम में जो है वो लग गई थी। और अभी तो मैंने जो है बहुत बहुत सारा काम जो है वो निपटा लिया है। मैंने इस सारा जो है ना पूजा का सामान जो है धुल के रखा है। यहाँ सारे प्रसाद है, यहाँ चढ़ाने वाला पूजा है, यहाँ फूल बिलपत्र जो होता है, ये भी आपका जो है धूप दीप अगरबत्ती, और जो है इसमें सारे जो है बर्तन है, दीपक है जो जलानी है, इसमें भी सारा सामान है जो कि वहाँ पे चढ़ाने वाला है। ये इसी पोटली से सारी निकली है, इसमें ही सारा चीज़ रखाता है। उसके बाद फिर मैंने इसमें मतलब सब रख दिया। तो मैं यहाँ करूँगी, ये भगवान जी हैं उनके नीचे, तो मैं अभी फ़िलहाल जो है इससे अच्छी तरह से साफ कर दी हूँ, और इसी पिंडे पे, मतलब ये पीढ़े पे ही जो है भगवान को स्थापित करूँगी। उससे पहले मैंने ये जो है उनका कहते हैं ना कि पहले चकोर जो है वो पूजा कर लिया है, मतलब वो कर दिया है, उसके बाद फिर केले के पत्ते और बाकी से जो है वो सजावट होगी। अभी जो है वो नन्नू सोई नहीं है, ये देखिए अभी तक जो है ये इधर ही खेल रही है, तो जब ये सो जाएगी उसके बाद में हेलो करो नानो, हेलो करो, अरे नहीं करना, हेलो हेलो कर दो, तो हो जाएगा। जब वो सो जाएगी सारा, उसके बाद फिर मैं करने के लिए, क्योंकि मैं जो भी वहाँ रख रही हूँ इसलिए मैंने जो है डाइनिंग टेबल पे सारा सामान रखा है, क्योंकि वो जो है डाइनिंग टेबल पे मतलब नीचे अगर रख रही हूँ या फिर कहीं पे तो वो ले ले। और मैंने एक काम किया है कि यहाँ से मैंने ना सारा चेयर जो है वो देखिए हटा दी हूँ एकदम, बिल्कुल एक भी चेयर मैंने सामने नहीं रखा है, क्योंकि वो चेयर से ही चढ़ जाती है उसमें। तो एक इकलौता यही डाइनिंग टेबल है जिस पे मैं कोई सामान रख सकती हूँ, अन्यथा और फ्रिज के ऊपर तो पूरा भर ही गया है, उस पर आप कुछ नहीं रख सकते हो, तो इसलिए। और ये किचन का प्लेटफॉर्म तो आप देख ही रहे हो, तो उसमें खाना वाना रखा हो, पूजा का सामान आप रख नहीं सकते हो, तो मैंने ये बाकी का जैसे जैसे होता चला जाएगा वैसे मैं जो है वो देखिए, मेरी मेहंदी का कलर जो है ये इस तरह से आया है, ये इस हाथ में और ये इस हाथ में, ये देखिए इस तरह का है। ठीक है, इतना काफ़ी है, इतना जो इतना रहे तो भी काफ़ी है, क्योंकि मैंने ज़्यादा देर तक रखा ही नहीं था, बच्चे हैं ना तो इसके लिए जो है वो यूज। और फिर अभी टाइम है, अभी तो बज रहे हैं 1:30 हो रहा है, तो अभी मैं नन्नू को सुलाऊंगी, बाकी सारा काम कर लूँगी, उसके बाद फिर जो है शाम को पूजा है, मतलब दूसरी पहर में पूजा होती है, मतलब दूसरी पहर इन द सेंस कि सेकेंड हाफ डे का सेकेंड हाफ में पूजा होगी, तो तैयार भी उसी समय मैं होंगी और साथ ही साथ पूजा भी, क्योंकि बाकी का ये जो कहते हैं ना कि रफ जो मैंने कर लिया है अब फेयर करना बचा हुआ है, तो फिर मैं सब जैसे जैसे होता चला जाएगा वैसे वैसे आपको जो है वो हम दिखाते भी जाएंगे और सारा चीज़ जो है वो बताते जाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो जो है ये पसंद आए, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बिना सब्सक्राइब के फिर तो पता ही नहीं चलता है मुझे कि हाँ मेरे जो है अपने जितने भी हैं वो इसे वॉच कर रहे हैं, और ये जो है
वो कैसा मैं कर रही हूँ, तो कमेंट करके ये भी बताएं मुझे। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मेरे सब्सक्राइबर जो है बढ़ने चाहिए, 50 सब्सक्राइबर के बाद बढ़ ही नहीं रहे, तो इसलिए जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, दैट इज़ इंडियन ब्लॉगर विनी। और देखते हैं कि और क्या क्या हम लोग करते हैं। उसको सुलाने के बाद मैंने सारा सामान जो है लाके यहाँ पे नीचे रख दिया था, जो डाइनिंग टेबल पे सारे रखे हुए थे। वैसे तो जितने भी प्लेट्स में मैंने रखा था तो वो कैटेगराइज कर दिया था कि मुझे आसानी से जो है वो मिल जाए, क्योंकि उसमें खोजना पूजा के समय जो है ना बहुत जो है मुश्किल हो जाता है इसलिए। और देखिए ये जो आपका केले का पत्ता जो आया है ना, वो मैंने जो है कल लेके आई थी, और पता नहीं उस केले वाले ने और कितने दिन पहले पत्ते तोड़ के रखे होंगे। उसने मतलब पूरा मुरझा गया था, एकदम सूख भी गया था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैंने पूजा के नाम से लाया है तो उसे भाई यूज तो करना ही होगा चाहे जो भी हो। और ये मैंने जो है शिव परिवार लाया है, मूर्ति है वो, जिसमें माता पार्वती, शिव भगवान और साथ में जो है वो गणपति जी हैं। और देखिए क्या हालत है इस केले के पत्ते का, लेकिन फिर भी चलो पूजा करना है भगवान के नाम से, जो है सब चीज़ शुद्ध है, सब अच्छा है। तो इसे मैं जो है सेलो टेप से थोड़ा खड़ा कर लूँगी, ताकि वो देखने से ना पूरा मंडप की तरह लगे। कहा जाता है ना कि अब जो हम यहाँ बना रहे हैं वो छोटा सा एक मंडप लगना चाहिए, जिसमें कि शिव भगवान का जितना भी परिवार है, फैमिली है, उसकी पूजा होती है। तो मैंने उसी तरह सुबह में जो है चकोर मैंने लगा दिया था, उसमें हम मैंने जो है ना वो 5 जोड़ी जो भगवान की जोड़ी होती है उसका मैंने जो है वहाँ लिखा हुआ था, जैसे शिव पार्वती, राधा कृष्ण, विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, ये सारे जो है गणेश जी 5 जो है वो वहाँ मैंने लिख दिया है। उसके बाद मैंने क्या किया, वो पीढ़ी जो थी उसको तो मैंने सुबह ही धुल दिया था, तो उस पे मैंने एक जो है वो अच्छा सा जो है दुपट्टा वो भगवान जी का वो मैंने लगा दिया। और ये मैं जो है चौका पूर दे रही हूँ वहाँ, यहाँ पे मैंने सोचा था कि पहले मैं कलश यहाँ नीचे रखूँगी, लेकिन फिर ये काफ़ी दूर हो जाता भगवान से, क्योंकि भगवान के पास कलश को रखना चाहिए। तो मैंने ये हल्दी कुमकुम से यहाँ मैंने इसे जो है अच्छी तरह से बना के डाल दिया है, फिर उसको मैंने एक ऊपर भी बना दिया ताकि वहाँ पर जो है कलश स्थापना हो जाए, मतलब कलश स्थापित कर सकूं। कलश से वो साक्षी हो जाता है आपका पूजा का, कि आपने जो है वो पूजा किया। कोई अगर कथा नहीं भी सुनता है ना तो कलश रखने से वो साक्षी हो जाता है, उस पे दीपक रख लें एक, तो उससे आपका पूजा जो है संपूर्ण हो जाएगा। तो इस तरह मैंने यहाँ भी चौका पूरा करके और फिर मैंने वहाँ कलश जो है वो मैं रखूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है जनेऊ भगवान को कच्चा धागा से जो है बना रही हूँ, वो शिव भगवान और जो है वो गणपति जी दोनों के लिए जो है कच्चा धागा का जो है सूत, मतलब कहते जो है वो मैं बना लूँगी जनेऊ जैसा, और फिर मैं उसे साइड में रख लूँगी। ये मैं नहाने के बाद, मतलब जैसे ही मैंने बृहस्पति भगवान का कथा कहा उसके बाद मैं जो है वो लग गई थी, मतलब नन्नू को सुलाने के बाद मैं ये काम में लग गई थी, क्योंकि मुझे जो है और भी काम करने थे, कुछ पकवान भी बनाना था, इसलिए मैं ये कर लूँ, ताकि फिर बाद में क्या हो जाता है ना कि जब मुहूर्त होता है पूजा का तो उसमें बहुत हड़बड़ी हो जाती है, तब आप जो है वो लाया हुआ सामान भी यूज नहीं हो पाता। तो मैं यहाँ फ्रेश जो है वो सब चीज़ जो है वो रख ली हूँ, ताकि उसमें जब तैयार, और तैयार होने के बाद तो पता ही है कि आपको जो है वो काम और भी जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो अभी मैं थोड़ा रिलैक्स मूड में हूँ, तो जो जो मुझे चाहिए वो मैं नीचे भी रख ले रही हूँ, और जो है यूज में जो आ रहा है उसे भी मैं कर ले रही हूँ। तो इस तरह मैं सब जो है वो सजा कर देखिए यहाँ पर रख ली हूँ पूरा बाकायदा, कि ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा हो। फिर मैंने क्या किया कि भगवान को जो है आलता देने के बाद मैं खुद भी जो है यहाँ पे आलता लगा लूँगी। ये पहले मैंने एक बिछिया पहना है, बिछिया तो मैं एक हमेशा पहनती हूँ, लेकिन कहते हैं कि ना कि आपके दो पैरों में, दो उंगलियों में होने चाहिए, मतलब छोटी उंगली जो होती है ना बीच वाली उंगली उसमें भी होनी चाहिए, तो मैंने उसमें भी जो है पहन लिया है। और फिर मैंने ये महावर कहते हैं यहाँ पे यूपी में, हमारी तरफ आलता कहते हैं, तो ये मैंने कर लूँगी। और ये मेरी शादी का पायल है तो वो भी मैं पहन लूँगी। ये पायल थोड़ा खतरनाक है,
है, इसलिए कि आप जो भी कपड़ा पहनोगे ना तो ये खींच लेता है, तो मैं जनरली पहनती नहीं हूँ, लेकिन पूजा पाठ एक ऐसा समय है जब आपको ये सब जो है ना वो पहनना ही पड़ता है। कहते हैं ना 16 सिंगार, उसमें से जो है वो ये भी आते हैं। और फिर मैं चली आई किचन में, यहाँ मैं थोड़ी सी रवा जो है उसको भून ली हूँ और साथ में कुछ मेवे भी डाल दिए, और मैं यहाँ जो है पुड़किया बना रही हूँ। हम लोग जो है वो इसको पिड़किया पुड़किया ये बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो बोला जाता है गुजिया, गुजिया बोला जाता है इस तरफ दिल्ली साइड और यूपी में। तो इस तरह मैंने जो है वो जल्दी जल्दी जो है, ज़्यादा नहीं बनाई थी, मैं कुछ ही बनाई थी, मतलब मुझे लगता है 16-17, उससे ज़्यादा नहीं था, इसलिए कि ज़्यादा कोई खाता भी नहीं है और फिर मेरे पास समय भी बहुत कम था, तो इसी समय में मुझे कंप्लीट भी करना था, तो मैं जल्दी जल्दी जो है उसे तल के रख लूँगी। और एक साथ करने के बाद फिर मैंने इसे फ्राई भी कर लिया था और ये काफ़ी अच्छे से फ्राई भी हो गया था, हल्के आँच में मैं इसे फ्राई करूँगी ताकि वो जो है वो अच्छे से पक जाए। तो इस तरह मैंने जो है सारे के सारे गुजिया जो है वो तल लिए। मैं जल्दीबाजी में भी काफ़ी थी इसे बनाते हुए, मुझे डर लगी हुई थी, और उसके बाद फिर सबको लंच भी देना था, तो मैंने जल्दी जल्दी इसे करके जो है वो बना लिया। और ये काफ़ी अच्छे बने थे, मतलब जो मतलब एक्सपेक्टेशन से अच्छा बन गया था। अब देखिए खाने में कैसा लगता है, लेकिन बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा बना था। और ये शाम का समय हो गया है और मैं यहाँ पर जो है अपने कपड़े निकाल के रखी हूँ, आज मैं यही साड़ी पहनूंगी और कुछ ज्वेलरी निकाला है, तो फिर तैयार होने के लिए मैं शाम को जो है तैयार होने चली गई। और बहुत जल्दी जल्दी मैं तैयार हुई क्योंकि एकदम समय जो है निकलता जा रहा था, वो 6 से लेके आप 9 बजे तक ही पूजा करने का समय था, मतलब उसको कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त, तो उसी मुहूर्त में पूजा करना होता है हम लोगों का, तो मैं जल्दी जल्दी वही, लेकिन ये करते हुए क्योंकि नन्नू जो है ना वो कुछ ना कुछ इधर से उधर उधर से इधर करते ही रहती है, तो इसलिए थोड़ा सा तो लेट उसकी वजह से भी हो जाती है। और मैं देखिए सारा सामान जो है ना वो वार्डरोब में रख रही हूँ सारी चीज़, क्योंकि वो जहाँ भी रखूँगी वो वहाँ से उठा लेती है, और मैं ये फाइनल जो है वो तैयार हो चुकी हूँ और कुछ इस तरह लग रहा है मेरा फाइनल लुक। और ये मैं अपनी शादी का दुपट्टा ले रही हूँ, मतलब पछोरा कहते हैं हम लोग जो शादी के समय जो है वो सर पे डाला हुआ रहता है, तो इसको हर पूजा में हम लोगों को जो भी सुहागन का जो पूजा होता है ना उसमें ये लेना ज़रूरी रहता है, यह है क्योंकि सर पे आप इसे जो है उड़ना के टाइप में आप डाल सकते हो। तो ये मैं फाइनल जो है वो तैयार हो चुकी हूँ विथ दैट दुपट्टा, और फिर क्योंकि जल्दी से पूजा करना है तो चलते हैं भगवान के पास, और मैं यहाँ जो है वो कलश स्थापना कर दूंगी भगवान का, और बाकी का जो है जो भी सामान एक एक करके वो कंप्लीट करूंगी। यहाँ मैं जो है अपने शादी का सिंदूरा, जिसे शादी में जो है चढ़ाया जाता है सिंदूर, वही हमारे यहाँ यहाँ पिंक कलर का सिंदूर चढ़ाया जाता है, इसलिए आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, वही सिंदूर मैं जो है वो पूजा के समय में, मतलब कोई भी पूजा होता है तो वो सिंदूर जो है वो ज़रूर लगाते हैं, तो यहाँ मैंने नाक से ही लगाया है और ये शुभ माना जाता है। तो क्योंकि मैं तैयार होकर चली आई थी, मुझे याद है ही नहीं था, और मैंने सिंदूरा जो है ना यहाँ रख दिया था भगवान जी के पास, वो चढ़ाना रहता है जहाँ आप पूजा करते हो या पूजा का स्थान है वहीं पे आपको सिंदूरा रखना पड़ता है, तो इसलिए मुझे याद नहीं था, फिर मैं यहाँ आके लगा ली। उसके बाद मैं भगवान को अच्छी तरह से जो है वो वस्त्र उनको और जल से फिर पवित्र करूँगी, उसके बाद फिर गंगा जल उनको अर्पण करूँगी, इस तरह से धीरे धीरे करके जो भी चीज़ें जो है ना वो करते चली जाऊंगी, क्योंकि पूजा तो बहुत लंबा चला था, मतलब विस्तार पूर्वक तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन धीरे धीरे जो है जो चीज़ जो मुझे समझ में आ रहा है मैं जो देख रही हूँ वो बता दूंगी। यहाँ मैंने देखी उनको जो है वो यहाँ बालू का मैं ना ये बना रही हूँ, कि बोला जाता है ना कि पार्वती माता जो है वो बालू से ही शिव भगवान बनाई थी और उनसे पूजा की थी, तो एक तो मैंने जो है
में मूर्ति रखा ही था, लेकिन बालू से भी मैंने शिव पार्वती और गणेश जी, गोबर से मैंने गणेश जी को थे किया। उसके बाद फिर मैंने जो है माला जो है और जो जो चढ़ता है भगवान पे, बेलपत्र चढ़ता है, फूल चढ़ता है, भांग चढ़ता है, धतूरा चढ़ता है, मतलब मेनली तो पार्वती जी का है, लेकिन कहते हैं ना कि अर्धांगिनी हैं तो उनको हम जो है इग्नोर नहीं कर सकते, तो उनको सारा चीज़ जो है चढ़ाना ही पड़ता है। यहाँ मैंने जो है पान और कसेली रखा। उसके बाद आपको जो है वो वैसे तो बोला जाता है नाना प्रकार के आप जो है सीजनल फूड जो है आप दे सकते हो, लेकिन 5 तरह के जो है वो आप जो भी फल अपने मन से जो है आप दे सकते हो। और इसमें जो है वो काला चना का मान्यता बहुत ज़्यादा है, तो उसे चढ़ाना ज़रूरी है। काला चना और खीरा ये एकदम बिल्कुल कंपलसरी है, क्योंकि इससे से पूजा जो है वो आपका संपन्न होता है और आप जो है वो भगवान को अर्पित करते हैं। और इस तरह मैंने जो है सारा चीज़ भगवान को जो है वो चढ़ा दिया है, साथ में उनका जो है वो श्रृंगार भी जो है वो चढ़ा दी भगवान को, जो जो श्रृंगार लगता है उनका पार्वती माता को। और यहाँ मैं जो है कथा कह रही हूँ, पूरी बुक है इसके ऊपर, कथा के ऊपर व्रत, जो व्रत पे जो है कथा होती है वो सिंपल ही कथा जैसे सब में होता है, लेकिन हर तालिका ये जो नाम से ही पता चल जाता है कि पार्वती जी का जब विष्णु भगवान से आया था न्योता कि मैं आपकी बेटी से पार्वती से शादी करना चाहती हूँ, पार्वती माता से, तो फिर पार्वती माता बोली कि मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती, तो वो घर से भाग गई थी। मतलब उनकी जो फ्रेंड्स जो है जितनी भी सहेलियाँ वो उनको हर के ले के चली गई थी, और वहाँ फिर उन्होंने जो है वो बहुत कठिन तप किया था, तब जाके शिव भगवान माने और फिर जो है उनको मतलब उन्होंने शादी किया। इस तरह का जो है पूरा उसमें अच्छे से जो है वो कथा वर्णित है पूरा शुरू से लेके। अच्छा लगता है कहना ये, मैं तो जल्दी जल्दी बोल रही हूँ और बोलते बोलते पता नहीं क्यों थक भी रही हूँ। और यहाँ फिर मैंने कथा कंप्लीट कर लिया था और फिर मैं जो है आरती की थाल लगा रही हूँ कि, और सब जगह मैं आरती जो है वो रखूँगी, तुलसी भगवान के पास रखूँगी, मैं जो है विष्णु भगवान है उनके पास रखूँगी, 5 दीपक यहाँ भी जलाऊँगी, और इस तरह जो है वो पूजा मैंने जो है कंप्लीट कर लिया। ये पूजा मेरा कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। मैं यहाँ पे जो है वो धूप दीप अगरबत्ती जो भी है सब मैंने जो है वो लगा दिया भगवान को, और पूरे घर में जो है धूप दिखा दूँगी ताकि वातावरण जो है वो शुद्ध हो जाए और सब कुछ सुख शांति और समृद्धि दे, अच्छा स्वास्थ्य दे भगवान की कृपा से। ये आज का ब्लॉग था मेरा छोटा सा तीज स्पेशल 2021 का। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।